हेलो फ्रेंड्स, विलियम स्टूडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको स्टूडियो मास्टर्स के एक पावर एम के बारे में बताऊंगा, जो सीरीज़ है पीए सीरीज़। तो आपको इस वीडियो के अंदर, इस मॉडल के अंदर जो भी विशेषताएं, वो आपको आगे इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलें, इस वीडियो में आपको इस एम्पलीफायर के बारे में जो बता रहा हूँ, वो आपको आगे सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर क्या सिस्टम है, वो सारा आपको मेरे इस वीडियो में ज़रूर दिखा दें। तो चलिए, अब आते हैं इस एम्पलीफायर के बारे में। आपको मैं बता रहा हूँ, पी सीरीज़ गिनी जाती है और मॉडल गिनते हैं इसको पीएस 3.0। अभी जो मेरे पास अवेलेबल है, इस एम्पलीफायर की विशेषता, एक तो सबसे पहले साउंड क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। करीब करीब सारे हायरर्स इसको यूज़ करते हैं। कम वोल्टेज पे भी ये चलता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कभी कभी एम्पलीफायर्स में, ये पावर एम्प के अंदर, कि कम वोल्टेज पे ये एम्पलीफायर चलते नहीं है। लेकिन इसमें एक विशेषता है, हाई टेरोडियल ट्रांसफार्मर अच्छी तरह से इतना बढ़िया क्वालिटी का दे रखा है, जिससे ये कम वोल्टेज पे भी चलते हैं। हीट सिंक, रही बात इसके अंदर जो सर्किट है उसके साथ में हीट सिंक लगा हुआ है, वो पूरा हीट सिंक मॉड्यूल लगे हुए हैं। और साथ में दो कूलिंग फैन रखें, वेरिएबल कूलिंग फैंस है इसमें, जिस तरह से जहाँ जहाँ जरूरत है उस तरह से ये फैन चलते हैं और अपने अंदर के सर्किट को ठंडा रखने का काम करते हैं। और सही बात, सबसे मेन इसकी खासियत यह है कि कम वोल्टेज पे ये चलने वाला एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, सबसे बेस्ट क्वालिटी। और आगे मैं आपको इसका फ्रंट पार्ट में बताऊंगा, फ्रंट पार्ट में क्या है, इसके रियर पार्ट में क्या है, वो मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा। तो चलें, अपने इसके आगे का फ्रंट पार्ट के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। अब रही बात तो आगे का फ्रंट पार्ट के अंदर लेवल कंट्रोल दे रखे हैं चैनल 1 और चैनल 2 के, और साथ में इसका पावर वाला बटन है। आगे की लुकिंग बहुत अच्छी है इसकी, स्टूडियो मास्टर बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं इसमें, और पी सीरीज का आगे का इसकी लुकिंग। और ये जो मॉडल बताया मैंने आपको, वो 3.0 PA 3.0 है। और ये यहाँ आगे का जो पार्ट है, इसके बैक साइड में कूलिंग फैन लगे हुए हैं, ये हीटसिंक वाला पार्ट है, इसके बैक साइड में कूलिंग फैन लगे हुए हैं। और आपका इसका रियर पार्ट में आपको भी बता ही रहा हूँ मैं, ये जो फ्रंट पार्ट है इसके बाद में हम आपको रियर पार्ट बता रहा हूँ मैं। तो चले रियर पार्ट देखते हैं अपने। अब सबसे पहले मैंने आपको कूलिंग फैन की बात करी थी, यहाँ कूलिंग फैन लगे हुए हैं। कूलिंग फैन, ये आउटपुट सेक्शन है, इनपुट प्लेट लगा हुआ है बैक साइड में, जिसके अंदर हाई सेंसिटिविटीज़, इसके कहाँ तक इसके सेंसिटिविटी, लिमिटर दे रखें, मोड दे रखें स्टीरियो, मोनो और ब्रिज मोड, और लो कट। आप अगर इसमें बुफर लगाना है, अगर बेस लगाना है, तो वो ये लो कट इसमें यूज़ होता है। अच्छा डैम्पिंग पावर है इसका, इसको आप मिड में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको बास में भी यूज़ कर सकते हैं। और रहा आपका लिमिटर ऑन और ऑफ़, इसकी मेन जो बता रहा हूँ मैं, कि लिमिटर अगर आप ऑन रखते हैं तो स्पीकर की लाइफ, इसमें स्पीकर की लाइफ ज़्यादा रहती है, कि आप अगर ऑन रखते हैं तो आपका इसमें डिस्टोर्शन जो सिग्नल्स है वो उसको कंट्रोल करने का काम ये लिमिटर करते हैं। और रहा इसमें इनपुट चैनल 1 और चैनल 1 और चैनल 2 का, इसमें XLR इनपुट भी है और जैक इनपुट भी है। आप अगर आपके पास जो फैसिलिटी है XLR की फैसिलिटी है तो XLR पे भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास जैक की फैसिलिटी तो आप इसको जैक लगा करके भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इसमें केबल बहुत डायरेक्ट, इसके अंदर इनबिल्ट केबल है सबसे, और पावर केबल बहुत, पावर प्लग वाला सिस्टम दे रखा है इसके, पावर प्लग में लगने का सिस्टम दे रखा है, बहुत अच्छी केबल दी गई है इसकी। केबल में भी आगे कुछ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस कम रहते हैं। और रहा टोरोडियल ट्रांसफार्मर का, मैं जो आपको ऐसे तो अंदर साइड में खोल के नहीं दिखा सकता हूँ, मैं आपको ये ऊपर से ही दिखा रहा हूँ कि आपके इसके अंदर ये ट्रांसफार्मर जो दे रखा, बहुत अच्छी क्वालिटी का लगा रखा है इसमें। सबसे बड़ी चीज़ की ब्रांड ही ऐसी, स्टूडियो मास्टर कहने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। रहा अब ये एम्पलीफायर को, तो आगे आने वाले कोई भी वीडियो के अंदर मैं ज़रूर इसको आपको चला के दिखाऊंगा कि इस पे क्या सिस्टम लगा सकते हैं, वो ज़रूर मैं आपको इसमें चला करके ज़रूर दिखाऊंगा। तो विलियम स्टूडियो परिवार के सभी सदस्यों को ये वीडियो कैसा लगा, जो मैंने इस एम्पलीफायर के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, उसके बारे में, इसकी फैसिलिटी, इसके फंक्शन के बारे में जो मैंने बताया, आपको कैसा लगा? साथ में इसके अंदर कोई भी आपका कंक्लूजन है,
तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे जहाँ तक होगा मैं आपको ज़रूर आपको जवाब दूंगा मैं। और आगे आने वाले सब वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। नमस्कार।